हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेडिकल सपोर्ट। तो अगर आज के डेट में देखा जाए तो इस दौड़ भरी जिंदगियों में हमें हरदम हमेशा व्यस्त रहना पड़ता है, जिसकी वजह से एक से दूसरी तीसरी जगहों का पानी पीते हैं और हमें सर्दी या तो फिर एलर्जी हो जाता है। इसके कारण हमें बहुत सारे परेशानियां झेलनी पड़ती है। दोस्तों, हमें उस परेशानियों को ना झेलने के कारण हम आपके बीच ये मेडिसिन लाए हैं, क्योंकि हमें सर्दी एलर्जियों में बहुत ही फायदेमंद मेडिसिन ये नज़र आते हैं। दोस्तों, कभी अगर कहीं आप सफ़र कर रहे हो तो इसे रख सकते हो अजीली, क्योंकि कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये दोस्तों, आज हम इस मेडिसिन के बारे में जानते हैं कुछ ज़रूरी बातें जो कि हमें बहुत ही जाननी ज़रूरी है। अगर सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो लिपोसेट्रिजिन और मोन्टेलुकास्ट है। दोस्तों, अगर लिपोसेट्रिजिन देखा जाए तो 5 mg और मोन्टेलुकास्ट देखा जाए तो 10 mg है। तो ये दोनों कंपोजिशन हमारे सर्दी एलर्जी में बहुत ही काम आते हैं। दोस्तों, अगर इसकी मैन्युफैक्चर की बात करें तो इन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने किया हुआ है। दोस्तों, ये 10 गोली का स्ट्रिप आता है और इसकी MRP ओनली 75 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही कम अगर पर गोली का देखा जाए तो 7 रुपये और 50 पैसा। दोस्तों, इसे सबसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्ट करने वाले डॉक्टर की बात करें तो फिजिशियन या तो फिर ENT, सबसे ज़्यादा इसे प्रिस्क्रिप्ट फिजिशियन ही करते हैं। दोस्तों, अगर मोन्टो टेबलेट की डोजेस की बात करें तो इसे हर रोज एक ही बार लें, वो भी नाइट में सोने के वक्त, क्योंकि अगर आप इसे दिन में लेते हो तो फिर ड्राइविंग करने के वक्त लेते हो या तो फिर किसी काम के करते समय लेते हो तो आपको नींद आ सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, एक बात का जरूरी ध्यान रखें, क्योंकि इसे ड्राइविंग करने का वक्त बिल्कुल ही ना लें। दोस्तों, आप इसे कंटिन्यू 14 दिन तक यूज कर सकते हो, वो भी अपने डॉक्टर की एडवाइस से। दोस्तों, अगर हर टेबलेटों में देखा जाए तो कॉमन साइड इफेक्ट होते ही, अगर मोन्टेल में भी देखा जाए तो इसमें भी कुछ साइड इफेक्ट है। तो ये रहा दोस्तों मोन्टेल टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट जो कि हम सब जानते ही हैं। स्लीपनेस, हेडेक, ब्लड विजन, रनिंग नोज एंड कफ, ड्राई माउथ, डायरिया, नेसेसिंग और वोमिटिंग एंड डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन। दोस्तों, मोन्टेल टेबलेट लेने के समय इन बातों को भी जरूर ध्यान में रखें, तो फिर अपने डॉक्टर की एडवाइस लें। तो अगर आपने एल्कोहल पी रखा हो तो आप मोन्टेल टेबलेट बिल्कुल ना लें। दोस्तों, इसे प्रेगनेंसी में भी बहुत ही कम लिया जाता है, या तो फिर अपने डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। तो लैक्टेशन के टाइम भी इसे ध्यान में रखते हुए ही लिया जाता है, ड्राइविंग कर रहे हो तो बिल्कुल ही ना लें। दोस्तों, लीवर या तो फिर किडनी पेशेंटों को भी इसे ध्यान में जरूर रख के लेना चाहिए, या तो फिर अपने डॉक्टर की ही एडवाइस लें, ताकि आगे आपको आगे प्रॉब्लम ही ना हो। तो ये था दोस्तों मोन्टेल टेबलेट के रिलेटेड रिव्यू। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, इससे हमारा हर अपडेट आपको मिस ना हो।